बट वेलकम टू IFS। अगर आप लोगों ने IIT एग्जाम 24 का एग्जाम दिया होगा तो आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। आप लोग अगर NIT में एडमिशन लेना चाहते हो, आप भी NIT से एडमिशन करना चाहते हो, तो CCMN की जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके बारे में यहाँ पर एक अपडेट आया हुआ है जिस पर हम लोग आज के सेशन में चर्चा करेंगे। जैसे कि CCMN का काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन करने का, यहाँ पर कितने राउंड में एडमिशन लिस्ट आएगा, किस डेट पर कौन सा एडमिशन लिस्ट आएगा, तो आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट डेट पर चर्चा करने वाले हैं अगर आप लोग NIT में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो चलिए इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग IIT एग्जाम या स्वेट पीजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप लोगों ने IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना जैसे कि प्राइम क्लासेस आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर है, रैंकर्स की स्ट्रेटेजी है, अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, टीचर्स से हैंड आउट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ पर टेस्ट के फॉर्मेट में मिल जाएंगे, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, पेपर एनालिसिस मिलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा ना किस ईयर में इस एग्जाम से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कट ऑफ हो जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो और कितने मार्क्स आपको लाना होगा सो दैट आपको IIT मिल जाए, NIT मिल जाए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर IFS के ऐप में मिल जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप लोगों को IFS के ऐप में मिलेंगे, उसके साथ साथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। अगर आप लोगों ने IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो फटाफट आप क्या करिए, प्ले स्टोर से IFS का ऐप डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। बस ध्यान रखना रजिस्टर करते वक्त आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना, IIT एग्जाम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। तो चलिए आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये देखिए मैं CCMN की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, तो यहाँ पर देखिए काउंसलिंग शेड्यूल आ चुका है 2024 के लिए, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड करेंगे, तो डाउनलोड करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, टेंटेटिव शेड्यूल इन्होंने बताया है, तो लगभग यही होगा टेंटेटिव इन्होंने कहा है। तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से आपका स्टार्ट हो रहा है, 24th May से स्टार्ट हो रहा है, फ्राइडे 24th May से आपका ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने दिया लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग बाय कैंडिडेट, ये क्या दिया गया, फ्राइडे 7 जून दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट बताया गया है, लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट बाय UPI और क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग ये भी आपको दिया गया फ्राइडे 7 जून को बताया गया है, और लास्ट डेट फॉर रिजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू द फी पेमेंट, फी पेमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी इशू होगा तो उसे 10 जून तक आपको रिजॉल्व करना होगा, और उसके बाद लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस बाय द कैंडिडेट ये भी 10 जून को लास्ट डेट दिया गया है, और ऑटोमेटिक लॉकिंग ऑफ सेफ चॉइस इफ द चॉइसेस आर नॉट लॉक्ड बाय द कैंडिडेट ये मंडे 10 जून तक ये हो जाएगा। और तो जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म आप लोग फिल कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, रजिस्ट्रेशन फी पे कर देंगे, तो उसके बाद जो अनाउंसमेंट होगा फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट का वो कब होने वाला है, 12 जून को, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको फर्स्ट राउंड में जो भी NIT मिलती है या जो भी इंस्टीट्यूट मिलता है अगर वहां पर आपको एडमिशन लेना है तो पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा सीट एक्सपेक्टेंसेस का फी SAF, और डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ स्पेसिफाइंग विलिंगनेस आपको बताना होगा कि आप फ्रीज कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो या स्लाइड कर रहे हो या तो विड्रॉल करना चाहते हो, तो इसके लिए देखिए आपको दिया गया है 12 जून 2024 से 18 जून तक आप लोगों को इसे करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ चलिए मैं सेकेंड लिस्ट के बारे में एक बार आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, सेकेंड राउंड जो होगा ना 24 जून को आएगा, फर्स्ट राउंड 12 जून 12 दिन बाद, फिर थर्ड एंड सेकेंड राउंड का आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं थर्ड राउंड की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 जुलाई मंडे के दिन इसे क्या किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा, और देखिए पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी ऑनलाइन बाय कैंडिडेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ सीट अलॉटेड ड्यूरिंग द ऑल रेगुलर राउंड ये कब होगा, सैटरडे 6 जुलाई 2024, और यहाँ पर दिया गया वेनेसडे 10 जुलाई 2024 तक होगा, और ऑनलाइन विड्रॉल फ्रॉम द एडमिटेड इंस्टीट्यूट, अगर मान लीजिए जिस भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिल गया है, अब आप वहां पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर विड्रॉ करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा,
एक बार मैं फिर से इम्पोर्टेंट डेट बता देता हूँ कि 24 मई से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, और उसके साथ साथ फर्स्ट राउंड का जो लिस्ट होगा वो 12 जून को, सेकंड राउंड का 24 जून को, और थर्ड राउंड का लिस्ट 1 जुलाई का आएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 3 एडमिशन राउंड या 3 लिस्ट आने वाले हैं, जहां से आपको पता चलेगा कि किस एनआईटी में आप लोगों को एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो इस डेट पर आपको क्या करना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना। चलिए आज के सेशन में इतना ही, हम लोग रुकते हैं, तो आप सभी लोग जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।